खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। 12 तारीख को माँ बगलामुखी की जयंती है। जी हाँ, माँ बगलामुखी देवी का ही एक स्वरूप है, लेकिन उनके स्वरूप को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे, देवी के रूप की बात होगी और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे उनकी कृपा हमारे जीवन पर बरसेगी। इसके साथ ही परवरिश टिप जानेंगे, दिन का शुभ शुभ समय होगा, जन्मदिन, आज का राशिफल और वो विचार जो हम सबका दिन बना देगा। और आप जानते ही हैं ये सब हमें कौन बताएगा। राम राम गुरुजी। मैं भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को, सुबह सुबह की राम राम और सभी लोगों पर माँ बगलामुखी की कृपा बनी रहे ये प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। गुरुजी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आखिर माँ बगलामुखी कौन है, किस तरह का स्वरूप उनका है और उनको लेके बहुत सारी भ्रांतियां समाज में क्यों फैली हैं? इतनी भ्रांतियां फैली हुई हैं। आपको एक छोटी सी, एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक बार मार्केट में माँ बगलामुखी संबंधित पुस्तक ले रहा था, तो वहाँ जो पुस्तक दे रहे थे बोले इसकी हत्या करने का प्लान है। अरे भैया, माँ का एक स्वरूप है ये क्या आप इधर उधर की बातें बोले, क्योंकि लोग पढ़ते समझते है नहीं, बस कुछ भी कह दिया। जी हाँ, तंत्र से जोड़ते हुए बहुत नकारात्मक तरीके से, बहुत नकारात्मक। और तंत्र तो स्वयं भगवान शिव की देन है, वह तो नकारात्मक हो ही नहीं सकता। दरअसल माँ दुर्गा के 9 रूप हैं और 10 महाविद्याएं हैं, जिसमे सातवीं महाविद्या है, इनका नाम है बगलामुखी, और इसी को हम लोग सामान्य भाषा में कह देते हैं बगलामुखी। वैशाख शुक्ल अष्टमी को इनका अवतरण माना जाता है। यह कोई मारने काटने वाली माँ शक्ति नहीं है, बल्कि इनकी पूजा से, उपासना से बृहस्पति मजबूत होता है। यदि मंगल के कारण शत्रु हैं या शस्त्र या दुर्घटना का भय होता है या रक्त से संबंधित कोई समस्या हो रही होती है, तो माँ को याद करने से ये सब समस्याएं सुलझने लगती हैं। तो ये तांत्रिक साधना भी नहीं मानिएगा, इस साधना से आप किसी को नहीं मार सकते, ऐसा संभव नहीं है। माँ आपकी रक्षा करती हैं, आपको वाद विवाद में मदद देती हैं, वो भी कब, जब आप ईमानदार हैं, अन्यथा नहीं। ये नहीं कि आपने कुछ भी गड़बड़ी करी और आप लग गए उपासना करने, आपने किसी की भी निंदा करी, परेशान किया या किसी का भी नुकसान किया और उसने जब आपको दंड देना शुरू किया तो लग गए साधना में, ऐसा नहीं होगा। एक और चीज है, जब किसी भी किस्म का कोई अन्य उत्पात आपके जीवन को परेशान कर रहा हो तो माँ की उपासना करके उसे रोका जा सकता है, स्तंभित किया जा सकता है, और यही शक्ति है माँ बगला की। भगवान विष्णु ने भी यही किया था, माँ बगलामुखी को वैष्णवी कहा जाता है। अब आप समझ लीजिए कि जिनको वैष्णवी कहा जाता हो उनकी शक्ति क्या कभी तामसिक होगी। तो माँ बगलामुखी के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, साथ ही कैसे उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे उनकी कृपा मिलेगी, ये सब कुछ गुरुजी से पूछेंगे। लेकिन फिलहाल राशिफल जान लेते हैं। गुरुजी, प्रथम 4 राशियों का दिन कैसा होगा? हाँ, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, रुके हुए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए जम के मेहनत करिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आज मित्रों से, माँ से, ननिहाल से मदद भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। बस एक छोटी सी सावधानी उन लोगों को जरूर बरतनी है जिनके संबंध उनकी माता जी के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं, जिनकी माता जी बीमार चल रही हैं, या जो किसी से बदला लेना चाहते हैं, उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखकर चलना होगा, नहीं तो परेशानियाँ आपके खिलाफ बढ़ जाएंगे। उपाय क्या करना है, दूध और दूध से बनी हुई चीजों का दान कीजिए, आगे बढ़िए।
वृषभ राशि, थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ से ध्यान रखने वाला दिन है ये, बाकी कुल मिला के समय अच्छा है, मन उलझा रहेगा, लेकिन आप बहुत बड़ी चीजों को करने में रुचि लीजिए, छोटी मोटी चीजों में उलझने की आज आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एक सावधानी जरूर बरतनी है, ठंडी चीजों से परहेज रखें, और कुछ लोग आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, आपको राह से भटकाने की कोशिश करेंगे, उन पर ध्यान ही मत दीजिएगा, एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, माँ दुर्गा की उपासना आराधना करके अपने काम पर जुटिए। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं है, चलते चलते काम रुक सकते हैं या बनता बनता काम अटक सकता है, लेकिन फिर भी भाग्य पक्ष ठीक है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस एक सावधानी से जरूर बरतें, हो सकता है कोई व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर पाए, लेकिन आपको वाद विवाद में नहीं उलझना है। उपाय क्या करना है, कच्ची सब्जियों का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, बड़ा विचलन रहेगा, इधर उधर मन भटकेगा, स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे, आलस से आपको घेरने की कोशिश करेगा, इस वजह से काम रुकेंगे, लेकिन एक सावधानी बड़ी विशेष है, इस दिन किसी के बारे में कुछ कहने से पहले बहुत सोच लीजिएगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करके फिर दिन शुरू करना है। तो ध्यान से उपाय करते जाइए, सावधानियों का भी ध्यान रखिए, तभी दिन अच्छा होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है, गुरु जी उनका साल कैसा होगा? जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी लोगों को हमारी ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, कुछ नया और बड़ा कार्य करने का आपको मौका मिल रहा है, खास तौर से जून से, और उसमें भी 13 जून के बाद से, 13 जून के बाद से लेकर अप्रैल 2020 तक का समय आपके पास ऐसा है जिसमें आपको कुछ नया बड़ा करने का मौका मिलेगा, और एक ऊंचा अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा जिस पर आप खड़े होकर आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए एक एक क्षण काम करने का है, गप पास्टिक करने का वक्त नहीं है, ये 12 महीने वेस्ट करने के नहीं है, रिश्तों में बिल्कुल मत उलझ जाइएगा, नहीं तो सारा समय वेस्ट हो जाएगा, थोड़ा आगे बढ़िएगा, पीछे की चुभन अब दूर होंगी, कुछ रिश्ते भी आपसे छूटेंगे लेकिन बेहतरी के लिए छूटेंगे, और तरक्की के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, मनोबल बनाए रखें, और एक छोटा सा उपाय, इष्ट गुरु माता पिता को क्रॉस एंड प्रणाम करके फिर काम पर जुटें, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, साल तो आपका बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी उपाय जरूर कीजिएगा जो गुरु जी ने आपको बताए हैं। आज हम बात कर रहे हैं माँ बगलामुखी की, गुरु जी ने उनके स्वरूप के बारे में आपको बताया, उनसे जुड़ी भ्रांतियां भी उन्होंने दूर की, गुरु जी उनकी पूजा आखिर कैसे करें, और जैसा कि आपने बताया दान करना चाहिए उसका क्या महत्व है, और कितनी सिंपल पूजा है, लोग इतना घबराते हैं रात में करेंगे, सारी रात लगेगी, बैठेंगे, बहुत पैसा खर्च होगा, उफ, अरे माँ है वो, माँ का स्वरूप है, माँ विद्या है वो, तो महाविद्या माँ के स्वरूप में कहीं कोई इतनी कठिनता होगी? माँ बगलामुखी की पूजा बहुत सरल है, बहुत सरल है, और जो लोग बहुत डूब के माँ बगलामुखी की उपासना करते हैं वह बड़े विजयी होते हैं, वह वाद विवादों से बड़े आसानी से निकल आते हैं, वह खुश रहते हैं, लोग उनसे हार के भी खुश हो जाते हैं, बहुत सारे शत्रु मित्र बन जाते हैं। करना क्या है, खास तौर से कल की पूजा कैसे करनी होगी, सुबह ही सुबह कुछ पीले फूल ले लीजिए, नारियल ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, दीपक जला लीजिए, 5 दीपक जलाइएगा, और कैसे, हल्दी मिले आटे के दीपक बना के या पीतल के पास दीपक लेके उन्हें प्रज्वलित करें, पूर्व की ओर मुंह करें, और यदि आप पे माँ बगलामुखी मैया की तस्वीर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप साफ मिट्टी का उसे अच्छे से धोकर दूध से आप उसमें एक प्रतिमा गढ़ लीजिए, और उस प्रतिमा को आप हल्दी से
लपेट दीजिए, जब वो सूख जाए तो पूजा कीजिए, प्रतिमा पे पीला वस्त्र चलाइए चढ़ाइए, उसके बाद पीले पुष्प, हल्दी, पीली कोई मिठाई यह अर्पित कर दीजिए और कुछ भोजन वहीं पर रखिए, निकाल के रख दीजिए जो 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को आपने देना है, कुछ धन जितना भी आपके पास हो वह निकाल के रख दीजिए जो 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को आपने देना है और उसके बाद जप कीजिए, ओम हिर्लिंग बगला मुखे वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाय कीले बुद्धि विनाशाय हिर्लिंग ओम फाट, ठीक है। और आप यज्ञ करें तो स्वाहा लगा दीजिएगा, बस इतना सा ही तो मंत्र है, एक माला इसकी करिए पूरा डूब के, आपके कलेश में यह दूर करेंगे। वाकई बहुत आसान है, बस उनमें पूरी तरह श्रद्धा रखिए और प्रार्थना कीजिए सच्चे दिल से, हर क्षेत्र में सफलता पाएंगे जैसे गुरुजी ने आपको बताया। अब बारी आती है दिन का शुभ अशुभ समय जानने की, गुरुजी वो क्या है? फटाफट नोट कीजिए, अशुभ समय नोट कीजिए, धूमुहूर्त होगा सुबह 5:37 से 7:24 तक, गोलिक काल रहेगा सुबह 5:37 से 7:17 तक, यमगंड काल रहेगा दोपहर में 1:58 से 3:38 तक और राहु काल रहेगा सुबह 8:57 से सुबह 10:38 तक। शुभ समय नोट कीजिए, अभिजीत मुहूर्त होगा 11:51 से 12:44 तक और अमृत काल रहेगा सुबह 7:08 से लेकर 8:40 तक। कोई भी महत्वपूर्ण काम, बड़ा काम या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं तो हमेशा शुभ समय का ध्यान जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं बीच की 4 राशियों की, गुरुजी उनका राशि पर, यानी सिंह कन्या तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, आपके लिए दिन अच्छा है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा, लेकिन एक छोटी सी सावधानी आपने जरूर बरत लेनी है और वो ये है कि इस दिन वाद विवाद में नहीं उलझिएगा और कोई भी धन आदि किसी को देने से पहले बहुत अच्छे से सोच समझ लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, इस दिन कच्ची सब्जी का दान जरूर कर दीजिएगा और सूर्य को जल्दी देकर ही अपने काम पर जुटिएगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन कोई अच्छा नहीं कहा जा सकता, अचानक कोई आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इस दिन वैसे कुछ खास लोगों से मेलजोल या भेंट संभव है और उससे आपको लाभ भी हो सकता है, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतनी है, इस दिन बिजली से, आग से, केमिकल से बच के रहना है और दूसरी चीज किसी को धन उधार नहीं देना है। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम गंगरपताय नमः का जप कीजिए, हरे रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधिए, फिर काम बच जाए। तुला राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है, रिश्ता भी कोई जुड़ सकता है, प्रेम संबंधों संबंधी बात भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन एक सावधानी रखनी पड़ेगी इस दिन, एक तो पेट का अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा और उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, बहुत जल्दबाजी में निवेश संबंधी कोई निर्णय मत लीजिएगा, नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे इस दिन, आप ओम गंगणपताय नमः का जप करेंगे और पके हुए भोजन का दान जरूर करेंगे, भोजन की थाली में बेसन की मिठाई या बेसन की सब्जी अवश्य हो। वृश्चिक राशि, क्रोध नुकसान दे सकता है, धार धार चीजों से थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। वैसे कुल मिला के समय ठीक है, लेकिन एक सावधानी फिर भी बरतें, ऐसी चीज जो जलन पैदा करती हो, चाहे वो गरिष्ठ भोजन हो, चाहे वो अग्नि हो, केमिकल हो, इन सब से थोड़ा सा दूर रहिएगा और इस दिन अपनी ओर से कोई वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है और यदि आपका ससुराल पक्ष है तो ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध रखिएगा। उपाय क्या करना है, ओम हंग हनुमते नमः का भी जप कीजिए और उसके बाद एकाग्र चित्त होकर ध्यान करके फिर अपने काम पर जुटिए। हमें उम्मीद है आप राशियों के हिसाब से ठीक प्रकार से उपाय नोट कर रहे हैं और हाँ, सावधानियों का ध्यान भी आप जरूर रखें। गुरुजी, माँ बगला मुखी की बात हो रही है तो इसमें कन्या पूजन का विशेष महत्व है और 8 या 12 वर्ष तक ही उनकी आयु क्यों होनी चाहिए? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने देखा होगा नवरात्र में भी, जी हाँ, या उपायों में भी हम सामान्यतः यही कहते हैं कि 8 वर्ष तक की कन्या या 12 वर्ष तक की कन्या से ऊपर ना हो, इसके पीछे कारण है। देखिए 8 या 12 वर्ष से छोटी कन्या में दिव्यता होती है, किसी भी व्यक्ति में
जब तक उसकी बॉडी मेलाटोनिन हार्मोन से चलती, पिट्यूटरी बॉडी नहीं चलती है, उसकी पीनियल बॉडी से वह काम लेता है, तब तक उसके अंदर दिव्यता रहती है। जब कोई मनुष्य पीनियल बॉडी के बजाय पिट्यूटरी बॉडी पर आ जाता है, उसके बाद उसकी दिव्यता को आध्यात्मिक रूप से कम मानते हैं, फिर दिव्यता प्राप्त करने के लिए योग की शरण में जाना पड़ता है। इसीलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है। इनकी उपासना इसी कारण से की जाती है क्योंकि अभी इनकी पीनियल बॉडी है और इनमें दिव्यता है, ये देवी के रूप है, वैसा स्वरूप है, वैसी इनके अंदर सौम्यता है, इसीलिए इन्हीं की पूजा आराधना की जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इनका ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए और पूजा पूरे विधि विधान और जो नियम बताए गए हैं उनको भी सम्मिलित करके होनी चाहिए। अब बात करते हैं अंतिम चार राशियों के राशिफल की। गुरु जी, उनका दिन कैसा होगा? यानी धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है, ये दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है और साथ ही साथ निवेश करने में अलर्ट भी रहना होगा। एक छोटी सी सावधानी इस दिन जरूर बरत लीजिएगा, इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनसे अपने संबंधों का ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए? आटे और हल्दी का दान जरूर करिए। मकर राशि, ये वक्त आपके लिए अच्छा है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। हाँ, कुछ बाधाएं आएंगी, कोई बात नहीं, वह पार भी हो जाएंगी, बस आप मन छोटा मत कीजिएगा। एक सावधानी, इस दिन वाहन ध्यान से चलाएं और अपना कीमती सामान किसी को देने से पहले अच्छे से सोच लें। उपाय क्या करना है? काले कपड़े में मिश्री भरकर किसी को उपहार स्वरूप दीजिए। कुंभ राशि, बड़े भाई बहनों से कहीं कोई समस्या हो सकती है, साथ ही साथ जिन लोगों को गर्दन, कंधे और या पीठ की दिक्कत रहती है वो लोग भी इस दिन विशेष रूप से सावधानी बरतें। वैसे कुल मिलाकर वक्त है अच्छा, बस एक छोटी सी सावधानी धन को लेकर जरूर बरतिएगा, रिश्तों को लेकर जरूर बरतिएगा क्योंकि इस दिन धन और रिश्ते खराब होने के योग हैं। उपाय क्या करेंगे? उपाय कीजिए, सब ठीक होगा। उड़द की दाल का दान कीजिएगा, ओम नमः शिवाय का जप कीजिएगा, मन शांत कीजिएगा, काम पे जुट जाइएगा, प्रभु जी आपकी समस्याएं ठीक कर देंगे। मीन राशि, ये वक्त आपके लिए खूब अच्छा है, खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने के अच्छे मौके आपको मिलेंगे, लेकिन एक सावधानी, भाग्य पक्ष कमजोर है इसलिए कोई बड़ा रिस्क एकदम से मत लीजिएगा, अच्छे से सलाह मशवरा करके लीजिएगा। और हाँ, नया रिश्ता तो इस दिन नहीं जोड़े तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए? एक तो कैप पहन के रहें, पीली कैप हो तो बहुत ही अच्छा है, और साथ साथ एक काम और कर लीजिएगा, हल्दी का तिलक मस्तक पर लगा के फिर काम पर जुटिएगा। तो उम्मीद है दिन तो आपने बहुत अच्छा बना लिया होगा क्योंकि उपाय नोट कर लिए हैं, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, उपाय करने भी होंगे और सावधानियां भी रखनी होंगी। अब बात उस विचार की जो हम सबका दिन बना देता है। गुरु जी, आज का विचार, एक छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करता हूं। एक बात जो मैंने महसूस करी, समय सबके पास समान होता है, सबके पास 24 घंटे होते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप कितने समय का कैसे उपयोग करते हैं। जो अपने समय का सदुपयोग करते हैं वो महान बन जाते हैं। तो वाकई टाइम मैनेजमेंट की सीख देता है ये विचार, और विद्यार्थियों को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए गुरु जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, आज आपने माँ बगलामुखी के बारे में हमें बताया और साथ ही इतना अति उत्तम विचार आपने पेश किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ बगलामुखी की कृपा आप सब पर बरसे। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, कल फिर आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।